नमस्कार, मैं रजन ओझा इंडियन सिटीजन टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुंबई मलाड के डिंडोशी पुलिस ने एक ऐसे सीरियल मॉलिस्टर को गिरफ्तार किया है जिसने 2011 से लेकर अभी तक कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है तथा 12 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और कई पुलिस स्टेशनों में फरार बताया जाता है। 12 दिसंबर को डिंडोशी पुलिस स्टेशन की हद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बाइक सवार आरोपी ने एक 24 वर्षीय महिला को जबरदस्ती गले लगाया, फिर उसके साथ गलत हरकतें करके फरार हो गया। महिला की शिकायत पर डिंडोशी पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने के लिए धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मामला दर्ज होने के बाद PSI गणेश फड के नेतृत्व में PI चौहान की मदद से आरोपी को पकड़ने के लिए सभी इलाके का CCTV खंगाला, जिसमें पता चला कि 2017 में पवई में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसका CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि यह वही शख्स है जो डिंडोशी की घटना में शामिल था। पुलिस ने पवई केस के आधार पर आरोपी के घर के पते की जानकारी निकाली और आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसको 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। को इवनिंग को 6 बजे एक शख्स ने जितेंद्र रोड मालाड पे एक राह चलती लड़की को छेड़ा था, उसका विनय भंग किया था, ऐसी शिकायत 12 तारीख को आई थी। उसकी शिकायत से 354 D और 509 IPC के तहत FIR दर्ज किया था। वो टाइम कोई सुराग मिल नहीं रहा था, उसके बारे में कोई क्लू मिल नहीं रहा था। हमने बहुत ढूंढा लेकिन किधर भी ये आरोपी मिला नहीं, और उसका नाम कल्पेश देवधर था ऐसा पता चला। फिर उसका पूरा रिकॉर्ड निकल के उसके रिकॉर्ड में जो एड्रेस था उस पर जाके हमने वेरीफाई किया, लेकिन वो एक क्राइम करने के बाद उसका घर बदल देता है ऐसा पता चला। वो मालाड में न मिलने के बाद चारकोप के ज्यूरिडिक्शन में बंदर पाखाड़ी पाटिल नगर एरिया में वो रहता है ऐसा पता चला। उधर जाके मेरा स्टाफ घुगे पाटिल वाघमारे बांगर इनके साथ जाके 2 दिन उसको ढूंढा। फिर कल इवनिंग को उधर वो शख्स हमें दिखाई दिया, फिर उसको ट्रैप लगा के पकड़ लिया और अरेस्ट किया। ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं, लेकिन उसके इंटरोगेशन में ये पता चलता है कि विकृत है। उसके ऊपर लगभग 12 केस में वो अरेस्ट है और कई सारे केसेस में वो वांटेड है। PSI गणेश फड के अनुसार आरोपी कल्पेश देवधर, जिसकी उम्र 30 साल है, पेशे से वो ड्राइवर है। आरोपी चारकोप का रहने वाला है, लेकिन गुनाह करने के बाद वो घर बदल देता है। कल्पेश पर शहर के विभिन्न पुलिस थानों में छेड़छाड़ और अपहरण के 12 मामले दर्ज है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही कई मामले दर्ज है जिसमें कल्पेश वांटेड है। कई मामले में कल्पेश के खिलाफ शिकायत ही नहीं हुई है। हाल ही में DN नगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज मॉलिस्टेशन के मामले में वह जमानत पर बाहर था। 13 जुलाई 2017 में देवधर ने पवई हीरानंदानी में इटर्निटी मॉल के पास कॉलेज की 3 लड़कियों को राह चलते कथित तौर पर पीछा किया और अश्लील इशारे कर फरार हुआ। देवधर अपनी माँ और 3 भाइयों के साथ मालाड पश्चिम में रहता था, लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों के चलते परिवार ने उससे दूरी बना ली। पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि ऐसे मामले में वो आगे आए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इम्तियाज़ खान के साथ शीतल माली की रिपोर्ट।